सूरे तीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरे तीन पढ़ने और सुनने के फ़ायदों के बारे में। नंबर एक, बंदिश तोड़ने के लिए, औलाद पाने के लिए, मकसद के लिए, दुश्मनी ख़त्म करने के लिए, दुआ कबूल होने के लिए, घर में बरकत के लिए, चेहरा खूबसूरत करने के लिए आज हम सूरे तीन को पढ़ने वाले हैं। ये सारे फायदे सूरे तीन पढ़ने से आपको मिलते हैं, तो पूरा वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हर बात समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबर मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वतीफ़ा पावर। अगर कोई शख्स बंदिश की वजह से बहुत परेशान है, वो चाहता है कि बंदिश टूट जाए। देखो, बंदिश जो होती है हमारे घर पर लग जाती है, कारोबार पर लग जाती है, हमारी दुकान पर बंदिश लग जाती है। बंदिश लग जाने से हमारा कारोबार ख़त्म हो जाता है, हमारी दुकान ख़त्म हो जाती है, हमारे घर में गरीबी आ जाती है। अगर बंदिश किसी भी काम पर लग जाती है तो वो काम कभी भी कामयाब नहीं होता है, उस काम में आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की, कारोबार की, दुकान की बंदिश टूट जाए, तो आप सूरे तीन को ज़रूर पढ़ा करें। अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप सूरे तीन को अपने कानों से सुन लीजिएगा। सूरे तीन मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि सूरे तीन हमें कितनी बार पढ़नी है और कितने दिन तक पढ़नी है और किस वक्त में पढ़नी, वो वीडियो के आखिर में ज़रूर जानकर जाइएगा। अगर कोई शख्स आपका दुश्मन बन चुका है, आजकल हर इंसान दुश्मनी पर उतर आया है। अगर आपका काम अच्छा चलता है तो आपके काम को देख कर दुश्मन बन जाता है। दुश्मन तो इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि वो आपको मरवाने तक की सोचते हैं। दुश्मन आपके कारोबार को ख़त्म कराने की सोचता है, दिन भर आपको उलझाए रखता है, आपका काम आगे नहीं बढ़ने देता है। दुश्मन हमेशा आपके जो चाहने वाले लोग हैं उनमें आपस में लड़ाई लड़वा देता है। तो इन दुश्मनों से बचने के लिए आप सूरे तीन को पढ़ा करें। अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप सूरे तीन को अपने कानों से तेज आवाज़ में ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आपका कोई भी मकसद है तो आप उस मकसद को अपने दिल में, अपने दिमाग में रखकर सूरे तीन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो मकसद हल हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जिन भाई बहनों को सूरे तीन नहीं पढ़ना आती है, वो वीडियो के आखिर में जाकर सूरे तीन अपने कानों से तेज़ आवाज़ में ज़रूर सुने। जो भाई बहन औलाद की वजह से परेशान है, शादी हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन औलाद अभी तक नहीं हुई है उनके घर में, औलाद हासिल करने के लिए सूरे तीन को सफ़ेद चीनी की तश्तरी पर आपको लिखना होगा और लिखने के बाद उसमें पानी मिलाकर उस औरत को पिला देना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द औलाद मिल जाएगी और औलाद की खुशी आपको जल्दी नसीब होगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते आएं और जल्दी से आपका रिश्ता हो जाए, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटी या मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए और अच्छे से अच्छा रिश्ता मिले, अच्छे से अच्छे लोग मिले, अच्छे से अच्छा खानदान मिले, ताकि मेरी बेटी या मेरा बेटा अच्छे से रह सके, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सके। दुआ को कबूल होने के लिए आप सूरे तीन को रोज़ाना डेली पढ़ा करें। पढ़ना नहीं आती है तो सूरे तीन को अपने कानों से सुनकर अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। वो दुआ चाहे आपकी कोई सी भी हो, इंशाल्लाह पूरी ज़रूर हो जाएगी। अगर आप अपने घर के अंदर बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी पैसा घर में आए उस पैसे में बरकत हो, आपकी रोज़ी में बरकत हो, आपके कारोबार में बरकत हो, जो भी काम करें उसमें बरकत होती चली जाए, तो ये सूरे आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी सूरे है। तो सूरे तीन को आपको पढ़ना होगा। अगर पढ़ना नहीं आता है तो सूरे तीन को ज़रूर अपने कानों से सुने और तेज़ आवाज़ में अपने घर में चला दिया करें। इंशाल्लाह इसके आवाज़ से आपके घर की तमाम परेशानियां ख़त्म होती चली जाएंगी और आपके घर के अंदर बरकत आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी में मैं पूरी तरीके से नहा चुका हूँ, कपड़े पसीने में भीग चुके हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि दिल से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक जब आता है तो दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है कि कितनी भी गर्मी पड़ जाए लेकिन आप लोगों को कुरान और हदीस से वीडियो मैं देता रहूँगा, तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब सुन लेते हैं सूरे तीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। आपको इस सूरे को सुनकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला होगा। आप जब भी सूरे तीन को पढ़ें या सुना करें तो आपको करना क्या है, फजर की नमाज के बाद 60 बार इस सूरे को आपको पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं आता है तो 60 बार आप इस सूरे को अपने कानों से तेज़ आवाज़ में सुन लीजिएगा। आपको 40 दिन तक इस सूरे को सुनना और पढ़ना होगा। आपकी बंदिश भी टूट जाएगी, कारोबार पर बंदिश थी, दुकान पर बंदिश थी, घर पर बंदिश थी, ये सब बंदिशें टूट जाएंगी। औलाद पाने के लिए ये सूरे सबसे ज्यादा बेस्ट है। हर मकसद इंशाल्लाह आपका पूरा होता चला जाएगा। दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मोहब्बत के लिए 21 बार इशा की नमाज के बाद आप सूरे तीन को पढ़ा करें, इंशाल्लाह दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दुआ कबूल होने के लिए आप सूरे तीन को पढ़ें या सुना करें। घर में बरकत के लिए, हर काम बनाने के लिए आप सूरे तीन पढ़ें या सुना करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी कहीं जाइएगा मत, आपके सामने ये दो वीडियो आ रहे हैं। अगर किसी भाई बहन के पेशाब में कैल्शियम धात प्रोटीन या सफ़ेद पानी आता है तो वो ये दो वीडियो क्लिक कर अपनी आज ही दवा ऑर्डर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।